हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज बायोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, द टर्म एपोएंजाइम इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन ए सिंपल एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ अ कंजुगेटिव एंजाइम, ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ अ कंजुगेटेड एंजाइम। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। फ्रेंड, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर फ्रेंड, प्रोटीन पार्ट एंड कंजुगेटेड एंजाइम। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, लोक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज परफोर्ज बाय। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम की लोक एंड की थ्योरी किसने दी। फ्रेंड, ऑप्शन ए है फिशर, बी है कॉसलैंड, सी है कुहने एंड डी है आर्हेनियस। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए फिशर। फ्रेंड, लॉक की थ्योरी फिशर ने दिया था। फ्रेंड, अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। फ्रेंड, ऑप्शन ए है को एंजाइम, बी है सबस्ट्रेट एंड सी है को फैक्टर एंड डी है बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बोथ ए एंड सी। फ्रेंड, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, एंजाइम दैट डिफरेंट इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस बट कैटालाइज ऑफ सेम रिएक्शन आर कॉल्ड। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम डिफरेंट अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के बने होते हैं, बट इनके जो रिएक्शन होता है वो सेम किस में होता है। फ्रेंड, ऑप्शन ए है कोफैक्टर, बी कोएंजाइम, सी एपोएंजाइम एंड डी आइसोएंजाइम। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइसोएंजाइम। हम चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम आर इनएक्टिव। फ्रेंड, ऑप्शन ए है एट 25 मंथ सेल्सियस, बी है एट 15 मंथ सेल्सियस, सी है बिटवीन 30-40 मंथ सेल्सियस एंड डी है एट 70 मंथ सेल्सियस अबव। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी एट 70 मंथ सेल्सियस अबव। आप चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एंजाइम यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ ब्लड क्लॉट। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फ्रेंड, ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकाइनेज, बी है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, सी है ट्रिप्सिन एंड डी है काइमोट्रिप्सिन। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेप्टोकाइनेज। आप चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, एंजाइम आर एब्सेंट इन। फ्रेंड, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंजाई एंड ऑप्शन डी है ईस्ट। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वायरस। फ्रेंड, एंजाइम जो है वायरस में नहीं पाया था फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, इन पॉलीसेकेराइड कॉमा मोनोसेकेराइड आर जॉइंड बाय। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड किससे जुड़े होते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ऑप्शन है ए पेप्टाइड बॉन्ड, बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फ्रेंड सी ग्लूकोज बॉन्ड एंड फ्रेंड डी है
कोवेलेंट बॉन्ड। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बी ऑप्शन। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन वाज। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए है जेनर, बी है फुंक, सी है केल्विन एंड डी है मेलन बाय। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, फुंक ने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेंड विटामिन का। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन है फ्रेंड जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड विटामिन के। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें विटामिन के फ्रेंड, जो कि डी ऑप्शन है फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल एंजाइम कंटेन। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है सभी एंजाइम क्या कंटेन करते हैं। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन ए है शुगर, बी है प्रोटीन एंड सी है फैट्स एंड डी है विटामिन्स। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। फ्रेंड्स सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हु गॉट द नोबल प्राइज वर्किंग ऑन एंजाइम इन द ईयर 1978। फ्रेंड कह रहा है एंजाइम पर काम करने वाले किसको जो है कि नोबल प्राइज 1978 में मिला फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए है डब्लू अर्बर एंड डी नाथन्स एंड बी नस एंड नस एंड सी आर मिश्रा एंड डी एच जी खुराना। तो फ्रेंड हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए डब्लू आर्बर एंड डी नाथन। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कीटोन बॉडी। फ्रेंड कह रहा है क्वेश्चन इसमें कौन सी कीटोन बॉडी नहीं है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है एसीटोन, ऑप्शन बी है एसिटोएस्टिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन डी है बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटेरिक एसिड। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट विच इज द बाइल साल्ट। फ्रेंड ऑप्शन ए है बिलरुबिन, ऑप्शन बी है सोडियम टर्कोलेट, ऑप्शन सी है बिलवेरिडिन एंड ऑप्शन डी है ग्लाइकोलिक एसिड। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड सोडियम टर्कोलेट, इट इज माय राइट आंसर फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है अपेयरेंस ऑफ यूजली हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाई अमाउंट में ग्लूकोज का जो है फ्रेंड यूज यूरिन के रूप में कहाँ पर मतलब होता है वो। फ्रेंड ऑप्शन ए है ग्लूकोरिया, बी है पोल्यूरिया, सी है ग्लाइकोस्यूरिया एंड डी है ग्लाइकोलाइसिस। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइको यूरिया। अब फ्रेंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फ्रेंड फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है फॉलोइंग आर दी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स
ऑफ यूरिन फ्रेंड, हमारा ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कीटोन बॉडीज, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड फ्रेंड हमारा लास्ट ऑप्शन है यूरिया। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें यूरिया जो है राइट आंसर फ्रेंड। आप चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दी शुगर फाउंड इन मिल्क। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शुगर है जो मिल्क में पाया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए है गैलेक्टोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज एंड ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लैक्टोज। तो फ्रेंड मिल्क में लैक्टोज शुगर फ्रेंड पाया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 है फेलिंग टेस्ट नेगेटिव फॉर। फ्रेंड ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी सुक्रोज। सुक्रोज इज माई राइट आंसर फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 19 तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड इन वाटर। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिपिड की वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी होती है, होती भी है या नहीं होती फ्रेंड, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए है सॉल्युबल, बी है पार्शली सॉल्युबल एंड सी है इनसॉल्युबल एंड डी है पार्शली इनसॉल्युबल। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी इनसॉल्युबल। फ्रेंड लिपिड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है फॉलोइंग आर द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एक्सेप्ट। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी है यूरिया। तो फ्रेंड हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा फ्रेंड ग्लूकोज। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है फैट्स एंड ऑयल आर एग्जांपल ऑफ विच लिक्विड। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फैट एंड ऑयल जो है किसका एग्जांपल है लिक्विड में, कौन किस लिक्विड का एग्जांपल है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है सिंपल लिपिड, ऑप्शन बी है कंपाउंड लिपिड, ऑप्शन सी है डिराइव्ड लिपिड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंपल लिपिड। फ्रेंड ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है लिपिड आर सॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट। ऑप्शन ए फ्रेंड क्लोरोफॉर्म, डी है इथर, सी है अल्कोहल एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर डी जो है फ्रेंड ऑल ऑफ दी सही हो जाएगा फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन 23 है व्हाट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड की का नेचर क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑप्शन है ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूट्रल। फ्रेंड लिक्विड जो होता है वो न्यूट्रल होता है फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फ्रेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल।
फ्रेंड ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये फ्रेंड जितने भी विटामिन हैं ये सब फैट सॉल्वल हैं फ्रेंड। आप चलते हैं फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन वाज। फ्रेंड ऑप्शन है ए जेनर, ऑप्शन बी है कैल्विन एंड ऑप्शन सी है फुंक एंड ऑप्शन डी है मिलन। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी फुंक जो है ये राइट आंसर है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।